अस्सलाम वालेकुम माय डियर ऑल फूडीज, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। मैं वापस आ चुकी हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। आज की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दही भल्ला या दही बड़ो, या फिर आप इसे दही बड़ा भी कह सकते हैं जो अपनी लैंग्वेज में कहते हो। इतना स्पंची, इतना सॉफ्ट कि आपके मुँह में जाते ही ये बिल्कुल घुल जाएगा। जूसी इतना होगा, मलाई की तरह इतना सॉफ्ट होगा और बहुत सिंपल इजी है। कोई बार बार के चक्कर नहीं, कोई दाल ऐड नहीं करेंगे, बहुत सिंपल है। एक बार बना के बैटर रख दो और फटाफट से फ्राई कर लो, बस इसका यही सीन है। और कुछ भी नहीं करना है इसमें, कोई एक्स्ट्रा हमने चीज़ नहीं करी है। रेसिपी को, वीडियो को एंड तक आपने वॉच करना है। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। पूरी वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि इसमें मैंने क्या क्या ऐड किया है और किस तरह से मैंने इसका बैटर रेडी किया जिसकी वजह से ये इतने सॉफ्ट बने हैं। रमज़ान स्पेशल की खास रेसिपी है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने बेसन 300 ग्राम लिया है, उसमें मैंने बेकिंग सोडा 1/2 टेबल स्पून भरकर ऐड किया है, सॉल्ट 1 टेबल स्पून भरकर शामिल किया है, चिल्ली फ्लेक 1 टेबल स्पून। आप स्पाइसी नहीं रखना चाहते तो मत कीजिएगा, वैसे इतना स्पाइसी होता नहीं है तो 1 टेबल स्पून काफ़ी है। क्यूमिन पाउडर यानी ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टेबल स्पून, चिल्ली पाउडर 1 टेबल स्पून। इन सब को थोड़ा सा फैट लेंगे, मिक्स कर लेंगे विस्क से या फिर हैंड बीटर, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे जितनी हमें ज़रूरत हो। ऐसा नहीं है कि हमने शुरू में एक साथ इतना पानी डाल दिया हो। इसमें तकरीबन 1/2 गिलास ही पानी गया है, लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी शामिल किया है। इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें किस टाइप की कंसिस्टेंसी चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको आपने विस्क करते जाना है। ना तो हमें ज़्यादा ये पानी जैसा चाहिए और ना ही हमें गाढ़ा चाहिए। गाढ़ा होगा तो गट्ठे पड़ जाएंगे अंदर से, बीच में इसमें जाली नहीं बनेगी, और ज़्यादा पानी जैसा होगा तो फूलेंगे नहीं। स्मूथ सा टेक्सचर चाहिए, बिल्कुल इस तरीके का। पानी की नीड कम्प्लीट हो जाए तो मैं अब आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। ये देखें कितना स्मूथ है, और ना ही ज़्यादा थिक है और ना ही ज़्यादा स्लरी टाइप है। इस टाइप का टेक्सचर आपने इसका रखना है। पानी शुरू में ज़्यादा ऐड कर देंगे तो फिर बाद में आपने सारी चीज़ों को दोबारा ऐड करना पड़ेगा, इसलिए पानी पर थोड़ा सा हाथ हल्का रखिएगा। यहाँ पर हमारा बैटर तो हो गया रेडी, बिल्कुल सिंपल घर के स्पाइसेस से। इसको हम आधा घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर रख देंगे। आधा घंटा नहीं तो 20 मिनट काफ़ी है। वैसे आधा घंटा रखेंगे तो भी अच्छा है और 20 मिनट रखेंगे तो भी अच्छा है। आधे घंटे के बाद ये बेसन हमारा रूम टेम्परेचर पर आ गया है। इसको एक बार फैटी लगा लेंगे, उसके बाद एक गरम तेल में इसको इस बड़े से चमचे की मदद से फैला फैला कर डाल देंगे। ये चमचा सर्विंग स्पून है जिसमें हम जिससे हम सालन वगैरह निकालते हैं, मैंने वो लिया है। आराम से इसको गिराते हुए हल्का हल्का आहिस्ता इसमें डालना है। तेल आपने ज़्यादा गर्म नहीं रखना है और ना ही ज़्यादा हाई रखना है। फ्राई आप मीडियम फ्लेम पर करेंगे, अगर हाई फ्लेम पर करेंगे तो जाहिर है कलर बहुत जल्दी चेंज करेगा और बेसन जो है वो अंदर से बीच की जो उसकी सेंटर पार्ट होता है उसमें गट्ठा पड़ जाएगा और कच्चा रह जाएगा, तो जालीदार नहीं बनेंगे। इसलिए फ्लेम मीडियम रखेंगे, 4 से 5 मिनट में आराम से ये परफेक्टली कुक हो जाएंगे। छोटा सा ड्रॉप डालकर बेसन का पहले आप चेक कर लें कि उसमें तेल में डालने के बाद वो बुलबुला बन रहा है। जैसे बुलबुला बनना शुरू हो जाए तो आप सारे वड़े डालकर या भल्ले डालकर या बड़े डालकर इसको फ्राई कर सकते हैं। ये खाने में इतने टेम्पटिंग होते हैं, इतने जूसी होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं, और अभी तो इसका साइज़ इतना इंक्रीज़ हुआ ही है। जब ये पानी में जाएंगे तो इसका साइज़ और इंक्रीज़ हो जाएगा। कोई भी ऐसा बर्तन ले जो नीचे की साइड से डीपनेस में हो, पानी शामिल करें। रूम टेम्परेचर वाला पानी है, कोई ठंडा गर्म पानी नहीं लिया है। सारे बड़े फ्राई कर भले फ्राई कर इसमें शामिल कर दें। 2 से 4 बार इसको अच्छे से प्रेस करें ताकि आपके सारे दही बड़े पानी वाले हो जाएं। जब ये एक बार पानी वाले हो जाएंगे तो खुद ब खुद ये पानी सोक करना, ऑब्जर्व करना शुरू कर देंगे। सारे बड़े को 2 से 3 बार प्रेस करने के बाद 5 मिनट पानी में रहने दें। याद रहे 5 मिनट से ज़्यादा पानी में नहीं रखना है, वरना ये टूटना शुरू हो जाएंगे और हद से ज़्यादा नरम हो जाएंगे। ये जो मैं आपको बड़ा या भल्ला तोड़कर दिखा रही हूँ ये फ्राइड है, सोक वाला नहीं है, पानी वाला नहीं है, ये बगैर पानी का है। अभी मैंने इसको पानी में नहीं डाला, मैंने सोचा आपको एक फ्राइड वाला तोड़कर दिखाती हूँ कि ये अंदर से किस तरह से पक चुका है, किस तरह से सॉफ्ट है और कितना जालीदार है। ज़रा सा भी आपको दिख रहा है कि कहीं से कच्चा है, कितना सॉफ्ट है, कितना जूसी है। अब जब ये पानी में जाएगा तो ये और सॉफ्ट हो जाएगा। ये तो मैंने आपको बगैर पानी वाला दिखाया था। दूसरी साइड पर मैंने यहाँ पर 1/2 kg यानी 1/2 किलो दही लिया है, उसको सिंपली एक ब्लेंडर में मैंने ब्लेंड कर लिया है सॉल्ट डालकर। कोई मैंने इसमें खटास या कुछ और पाउडर शामिल नहीं किया है।
अब आपने यहाँ पे मेरी बात ध्यान से सुन ली है। आपको शुरू में मैंने दिखाया था सोक करते हुए, तो इसमें पानी ज़्यादा था। अभी मैंने इसका एक्स्ट्रा पानी जितना भी ऊपर ऊपर आ रहा था वो मैंने फेंक दिया, वेस्ट कर दिया। फिर आराम से हल्का हल्का प्रेस कर इसका पानी निकाला है। ज़्यादा प्रेशर नहीं देना वरना टूट जाएंगे। और पानी मैंने पहले इसलिए इसका वेस्ट कर दिया ताकि इसकी ऑब्जर्वेशन जो प्रोसेस है, जो ये ऑब्जर्व कर रही थी पानी, वो रुक जाए, वरना ये सॉफ्ट होते जाएंगे जितनी देर में आप दही बल्ले पानी से निकालेंगे। इस तरीके से आपने आराम आराम से निकाल लेना है। निकालने के बाद अब टाइमिंग आती है सर्व करने की। दही बड़े रखें, दही भल्ले रखें, जो आप कहना चाहें। ऊपर से इस पर ज़बरदस्त हमारा दही डालें, ग्रीन चटनी डालें, अगर इमली की चटनी है तो वो डालें, चाट मसाला, चिल्ली पाउडर, चिल्ली फ्लेक्स, दही बड़ों का मसाला डालें, नमक कम लगे तो थोड़ा सा और डाल दें, और ये हमारे मज़ेदार से दही बड़े, दही भल्ले, दही बड़े तैयार हैं। पापड़ी डालकर सर्व करें, और मैं आपको इसको तोड़ कर दिखाती हूँ कि अंदर से कितना परफेक्टली कुक हुआ है, कितना जूसी है, कितना टेम्पटिंग है। सर्विंग प्लेट की बात करें तो इस जैसी आप चार प्लेटें आराम से बना सकते हैं, जिसमें 6 से 7 दही बल्ले आराम से आ जाएंगे। यहाँ पर हमारी वीडियो होती है एंड। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।